हे गाइस सैलियर, और दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं आपके डार्क एरियाज के बारे में। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे, भाई हमारी जो एल्बोज है वो काली है, हमारी जो नीज है वो काली है, और हमारे जो नेक है वो एरिया काला है, और हमारा पता नहीं क्या क्या काला है। समझ गया मैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो मतलब अगर आप उसको फेयर करना चाहते हो, अगर ये सब जो एरिया वो आपका ब्लैक है और आपकी जो पूरी बॉडी है वो फेयर है, तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, उसके ऊपर आज की वीडियो आ चुकी है। और मुझको पता है कि मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है, लेकिन मतलब यार आप लोग ऐसे हो ना कि मतलब आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, कि मतलब अच्छा रिजल्ट मिले और जल्दी रिजल्ट मिले। तो इसका भी थोड़ा आज आपका भाई ला चुका है, तो इस वीडियो लास्ट तक देखते रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी इस चैनल के फैमिली मेंबर नहीं बने हो, तो अभी जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर टैप करो, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर टैप करो, और इंस्टाग्राम पे नहीं गए हो तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो आपके भाई की कई सारी फोटोज है, जाके आप उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तरसते रहते हैं यार लाइक के लिए। तो हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर मतलब आपने हाफ स्लीव जो पहनी है, अगर टी शर्ट पहनी है और ऊपर से आपकी जो पूरी बॉडी वो फेयर है, और जो जो एल्बो है वो अगर डार्क होगी, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि मतलब डैमेज जीन्स पहनने का और आपकी पूरी बॉडी फेयर है और आपकी जो नीज है वो काफ़ी डार्क है, तो ऐसे में यार आपका इंप्रेशन कितना खराब हो जाता है और आपका कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, वो आपको पता ही होगा, मुझको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आप सभी को ये सब जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती होगी, मतलब काफ़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है अगर आप किसी ग्रुप में भी खड़े हो। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे मुझे जरूरत नहीं, हम चीज़ें चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल, और उसके बाद आपको सेकंड चीज़ जो लेनी है वो है लेमन ड्रॉप्स। तो आपको ये दोनों चीज़ें आपस में आपको मेल्ट करनी है, दोनों को आपको मिक्स करना है, और जहाँ पर भी आपका डार्क एरिया है वहाँ पर आपको उसे जेंटली अप्लाई करना है, और थोड़ी देर आपको इसको कम से कम मसाज करनी है, और जिससे आपको जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मतलब बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, आगे भी रेमेडी है। ये आपको अप्लाई करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करनी है हर जगह। और उसके बाद आपको क्या करना है कि मसाज करने के बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपको लेनी है, मतलब एक किसी भी कटोरी में आप हल्दी ले सकते हो, कोई भी बाउल जो होता है छोटा सा। और फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है जो दूध की मलाई होती है ना यार, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं शायद उसको यही बोलते हैं। तो आपको ये लेनी है, और दोनों को आपको उसमें आपको मेल्ट करना है, और दोनों को आपको मेल्ट करने के बाद अपने जहाँ पर भी डार्क एरिया वहाँ पर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है पेस्ट बना के। और इसको आपको 10 मिनट तक सूखने देना है, और जब ये सूख जाए तो आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो, और आपको ऐसे छोड़ देना है। और फिर आपको कम से कम ये वीक में 3 बार करना है, और आपको सुबह शाम दिन रात जब भी टाइम मिले तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको अप्लाई करो। और फिर उसके बाद आपको 1 मंथ में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और फिर आप कमेंट आगे नीचे करो कि भाई हमारी पूरी बॉडी मतलब फेयर हो चुकी है, तो कितना सही रहता है ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए और ऐसे प्रॉब्लम्स पे वीडियो चाहिए, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर टैप करो, और कुछ भी क्वेरीज और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। मैं रिप्लाई तो नहीं दे पाता, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के उस पर जो वीडियोज़ है वो जरूर बनाता हूँ। तो बस हम मिलेंगे ऐसी दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।